राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन। कदना की बात सखी वो श्याम सखा मिलवे कुआयो, मैं समझी कोई ब्रज कबाल, मैंने घूंघट के पट मुख है छुपायो, कितने में श्याम चले तो गए, तब एक सखी ने मोहे बतायो, जलाज निगोड़ी में आग लगे, अखियां भरे श्याम न देखन पा, अखियां भरे श्याम न देखन पा। तो सभी भक्त मीठे मीठी थालियों के साथ साथ भगवान का बड़ा अनुवाद करेंगे, उसके बाद आगे बड़ी सुंदर कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले निवेदन कर दूं, जहां तक भी ये बात जा रही है सभी भक्त पधारे हैं कि जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, मन बस गया श्याम सलोना सो मन बस गया,
Thank you.
सामे की गलियां सुनहरी लागे बरसाने की गलियां अरे मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां परम मंगल में परात पर अकारण करुणा वरुणा ले भक्त वांछित कल्पतरु बिजली को भी मात देने वाले नीचांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को मेरा कोट कोट प्रणाम। कथा के मुख्य स्रोता श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए भगवान भूतनाथ श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए नगर देवता वास्तु देवता इष्ट देवता 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए बिठास बात नहीं दूरियांचल से पधारे भगवान श्री बांके बिहारी लाल की सुंदर कथाओं को श्रवण करने आए सभी भक्तगण सजनों आज मेरे भगवान की कथाओं को चलते हुए षष्ठम दिवस की संध्या बेला है। आप लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं बड़ा आनंद की बात है। दिन में भी आते हैं रात में भी आते हैं यही तो आस्था होती है। अब जब आप लोगों में आस्था है तो ब्रह्म तो अपने आप आस्था जागृत हो जाती है। हमने कभी जीवन में रात्रि में कथा नहीं की है। 4 घंटे कथा कहते हैं दिन में रात्रि में भोजन करके सो जाते हैं लेकिन आप लोगों की अंदर भगवान की भक्ति देखकर भगवान की प्रति आस्था देखकर दिन में भी कहते रात में भी कहते बिल्कुल पता ही नहीं चलता थकान होती नहीं मन करता कहते ही रहो कहते ही जाओ क्योंकि कथा तो अथा है हर अनंत हर कथा अनंता भगवान की कथाओं का तो अंत ही नहीं है। कितनी भी कहते हो बरसों तक करो कभी पूरी नहीं हो सकती है। आप लोग मेरे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए समय से पधारते हैं इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार भगवान आप पर सदैव कृपा बरसाए रखे। कल आपने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया ज्यादा इधर उधर न करते हुए डायरेक्ट कथाओं पर ले जाऊंगा क्योंकि समय कम रह जाता है कथाएं लंबी हो जाती हैं। कल आप सुन रहे थे कि भरत जी का मन कथा हिरण के बच्चे में लगा तो अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। तो हमारा मतलब मैंने बताया था आपको कि अंत समय में सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान को याद करिए ये दुनिया की वस्तुओं से बिल्कुल परे हो जाइए। ये दुनिया में मन लगाओगे तो लौट के फिर जा दुनिया में आना पड़ेगा। जब हिरण बन गए तो उन्हें पूर्व जन्म का याद है कि मैं पहले एक भरत नाम का राजा था लेकिन हिरण के बच्चे में मोह जागृत हुआ तो मुझे हिरण बनना पड़ा है। अब तो वो केवल सूखी सूखी घास खाते हैं ज्यादा दिन तक उस हिरण योनि में नहीं रहे। कुछ समय पश्चात उस हिरण योनि से भी नाता टूट गया। अगले जन्म में फिर से एक ब्राह्मण के यहां जन्म लिया है नाम फिर से भरत ही पड़ा है लेकिन पीछे के 3 जन्मों की याद है। मैं एक भरत नाम का राजा था उसके बाद हिरण बनना पड़ा आज फिर से भगवान ने कृपा करके ये मानव तन दिया है। ये आपको मानव तन दिया है ना आपको तो भगवान का शुक्र गुजार होना चाहिए भगवान का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि ये मानव की योनि दी है 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि। नहीं तो आपने देखा होगा कीड़े मकोड़ों की कोई जिंदगी होती है 84 लाख योनियां है उनमें श्रेष्ठ मानव तन है जो आपको दिया है उसके बाद भी मेरे भगवान का धन्यवाद नहीं कर सकते मेरे भगवान का नाम नहीं ले सकते। आज भरत जी ने संकल्प कर लिया बोले अब तो दुनिया में मन लगाना ही नहीं है अब तो सिर्फ परमात्मा से संबंध रहेगा।
अब तो भरत जी दिन रात भगवान के भजन में रहते। घर वाले कहते भाई ये काम करो, एक बात तुम्हें लिख के दे दूं, यदि काउ संत बनना हो, भगवान के चरणों में मन लगाना हो, तो घर वालों घर वाले किसी काम की कहें तो काउ काम की मने मत करो, किसी से मना मत करो, और काउ काम को ढंग से मत करो। अपने आप घर वाले लिख के दे देंगे, बोले ये तो बेकार है, जाओ। भरत जी ने यही संकल्प कर लिया। घर वालों ने खेत में भेजा, जाओ खेत पर चिड़ियों को मारना। भरत जी बैठ गए खेत की मेड़ पे, चिड़िया खेत में चुग रही है। सभी भाई गए, क्यों रे खेत में चिड़िया चुग रही है? भरत जी कह रहे राम दी चिड़िया राम को खेत, छछो री चिड़िया भर भर पे छछो, हमारा क्या सब राम का है। भाइयों ने देखा खेत में चिड़िया चुग रही है और ये बाबरा मेड़ पे बैठा, क्यों रे कुछ चिड़िया नहीं दिखाई दे रही। भरत जी बोले मेरा क्या है, ये भी भगवान का है, चिड़िया भी भगवान की। घर वालों ने बोला ये तो पागल है, फावड़ा दे दिया जा खेत में नाली बना के। भरत जी गए फावड़ा लेकर एक ही जगह खोद करे, खोद खोद के कुआं बना दिया। भाई पहुंचे, क्यों रे ये क्या कर दिया तूने, तो कुआं बना दिया। बोले काम कर रहे हैं, बैठे नहीं है, जैसा आता है कर रहे हैं। भाइयों ने कहा ये तो पागल है, मूढ़ है। तो भरत जी के आगे लग गया जड़, जड़ माने मूर्ख, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी ने सब घर छोड़ दिया, अब तो सिर्फ भगवान का भजन करते, किसी से मतलब ही नहीं है। और जो दुनिया में मोह नहीं रखता है ना, संसार से मतलब नहीं है, वो खा पी के थोड़े हट्टा कट्टा से हो जाता है। और जो टेंशन रहती है, घर में बच्चे भी हैं, उनकी व्यवस्था है, पत्नी की व्यवस्था है, भाइयों की व्यवस्था है, तो टेंशन में व्यक्ति हमेशा कमजोर ही रहता है। आज भरत जी खा पी कर मजबूत है। एक दिन रहू, कुछ चोरों ने माँ भद्रकाली की बलि देना चाहा, तो भरत जी को ले जाकर भद्रकाली के दरबार में खड़ा कर दिया। और जैसे बलि देने वाले थे कि माँ भद्रकाली प्रकट हो गई, सभी चोर को मार के भगा दिया। आज भरत की रक्षा की है, बोले भद्रकाली मैया की। अब तो भरत जी के जीवन में सिर्फ भक्ति का रंग है, बोले माँ ने मुझे बचाया है। एक दिन भरत जी बैठे थे और एक रहुगढ़ नाम के राजा की सवारी जा रही थी, तो सवारी में एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा जो भी मिल जाए उसे सवारी पालकी में जुत लो। तो भरत जी बैठे थे तो कहारों ने पकड़ के पालकी में लगा लिया। अब पालकी को लेके जा रहे, भरत जी नीचे देख के चल रहे, चीटी आती है कूद जाते हैं, और जैसे ही कूदे रहुगढ़ राजा का सर पालकी में टकराया, खून बहने लगा। पालकी को रुकवाया, कौन है ये, चलने तक का होश नहीं। आज भरत जी ने सोचा मैं सारी जिंदगी चुप रहा, और यदि आज भी चुप रहा ना तो लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी में भरत जैसा महात्मा लग गया हो वो राजा अज्ञान रह गया। आज भरत जी बोल पड़े, रे राजा तू किस पे गुमान करता है, आज तेरे पास धन दौलत है इसका अहंकार है कि चे तेरे गुमानी बावरे तू पट हृदय के खोले राम नाम तेरे हृदय बसे तू मुख से राधे राधे बोल। आज भरत जी ने कहा राजा आज तू राजा है इसका तुझे गर्व है, इस दुनिया में कोई अमर नहीं रहा है, जो इस दुनिया में आया है अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेकर आया है, शायद तू पिछले जन्म में भिखारी रहा हो, आज राजा बन गया तो इसका अभिमान हो गया, तो एक पल में भी सब बर्बाद हो जाए पता नहीं, कि समय का कोई भरोसा नहीं। पर आज राजा को बड़ी सुंदर उपदेश दिए है, राजा जो तू मोह कर रहा है ना, जो अहंकार कर रहा है, ये अहंकार मेरे भगवान का भोजन है। जो लोग ईर्ष्या में फंसे रहते हैं,
ईर्ष्या और अहंकार जिसके अंदर आ गया मेरे भगवान, उससे कोसों दूर चले जाते हैं। आज भरत जी ने बड़े सुंदर उपदेश दिए तो रघुगढ़ चरणों में गिर गया। और आज भरत जी ने मेरे भगवान के नाम की महिमा बताई है। आज मेरे भगवान के नाम बोलने मात्र से जीव का कल्याण होता है। भरत जी कहने लगे, रघुगढ़ एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम है अजामिल, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है, पूरे क्षेत्र में इसकी यजमानी है, हर घर में यज्ञ करता है तो अजामिल करता है पूरे क्षेत्र में। लेकिन एक दिन वो अजामिल धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस आ रहा था कि एक गड़का नाम की वेश्या स्नान कर रही थी, और जैसे ही आज वो गड़का के ऊपर अजामिल की नजर पड़ी तो मोहित हो गया और गड़का के पास में पहुंचा। रही गड़का, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं। और जैसे ही गड़का से कहा, गड़का कहने लगी, महाराज अरे आप ब्राह्मण हो, मैं एक वैश्या हूं, यदि आपने मेरे साथ विवाह कर लिया तो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, जो लोग वासनाओं के वशीभूत हो जाते हैं ना, तो पद प्रतिष्ठा को भूल जाते हैं। आज अजामिल ने कहा चाहे दुनिया छोड़ दे लेकिन मैं विवाह तेरे साथ करूंगा, और जब बार बार कहा तो गड़का ने उस अजामिल के साथ में विवाह कर लिया। घर में सुशील पत्नी थी, उसे मारकर घर से निकाल दिया। अब तो गड़का के साथ में रहने लगा, क्षेत्र में मालूम पड़ा वो तो ब्राह्मण बेकार है जिसने एक वेश्या के साथ में विवाह कर लिया। अब तो क्षेत्र में यज्ञ कराना बंद करा दिया। अब जब यज्ञ नहीं हो रहे, ब्राह्मण धर्म न हो मजूरी, ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना यज्ञ कराना, कथा करना कथा कराना, ब्राह्मण होकर मजदूरी नहीं कर पाएगा। अब मजदूरी कर नहीं सकता। अब हम बचपन से ही भगवान की चर्चाएं कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और हमसे कोई कहे महाराज कहीं नौकरी पर चले जाओ तो हमारे बस की बात नहीं है। एक मिनट भी एक दिन भी हम नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राह्मण का धर्म है केवल भगवान की चर्चा करें। ब्राह्मण धर्म न हो मजूरी, मजूरी करेगा तो ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है। हमारी तो यही मजदूरी है, मजदूरी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 किलोमीटर जाके कहीं नौकरी करेगा। लेकिन हमें ये भगवान ने सौभाग्य दिया कि लगभग 800 किलोमीटर दूर आप लोगों के यहाँ मजदूरी करने आए, भगवान की चर्चा करने आए हैं। तो ब्राह्मण का सिर्फ केवल एक ही काम है, यज्ञ करना यज्ञ कराना, कथा करना कथा कराना। अब यज्ञ कथा सबने बंद करा दी, अब क्या करेगा? अब खाने के भी लाले पड़ गए, तो अब तो केवल एक ही काम है ब्राह्मण के लिए। आज अजामिल चोर बन गया, चोरी करने लगा। देखना, एक बहुत बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण एक वेश्या की संगति से चोर बन गया। मैंने पहले दिन बताया था कि संगति का असर जीवन में आता है, व्यक्ति जिसकी संगति ठीक है उसका जीवन सही है, संगति गलत है उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज अजामिल की संगति बिगड़ी, वेश्या की संगति की तो सबने छोड़ दिया, चोर बन गया। अब तो चोरी करता है, दिन रात सड़कों पर घूमता है, कोई निकलता है लूटपाट करता है। लेकिन एक दिन कुछ संत निकले, संत जा रहे थे गांव से निकले, शाम का समय हो गया, किसी से पूछा, भैया या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक रात हमारी व्यतीत हो जाए? तो गांव गांव में मखौल करने वाले होते,
कुछ मखौल करने वाले लोगों ने कह दिया हमारे गांव में तो एक ही धर्मात्मा है जिसका नाम है अजामिल, आप उनके घर चले जाओ आपकी पूरी व्यवस्था होगा। और संतों को क्या मालूम अजामिल चोर है। संत धीरे धीरे अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल घर पे नहीं था। गड़का नर से निकल के आई, बोले महाराज क्या है? बोले हमें बताया है कि आपके पति बहुत बड़े दानी हैं, एक रात आपके घर रुकना चाहते हैं। गड़का ने कहा महाराज आपसे किसी ने गलत कह दिया है, मेरे पति तो बहुत बड़े चोर हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप आए हो तो मैं तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। आज गड़का ने राशन दे दिया, महाराज आप खुद बनाइए खुद खाइए। आज संत भोजन बुला रहे तब तक अजामिल आ गया। जैसे देखा बोले ये कौन है कहां से आए? अंदर से गड़का आई, बोले मैंने बुलाया है। पर जैसे मैंने कहा अजामिल शांत हो गया। सारी रात वो संत अजामिल के घर रुके। सुबह हुआ अजामिल से कहा अजामिल तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुझसे कुछ दान मांगना चाहते हैं। अजामिल ने कहा महाराज भूतर पैसे भूत मांग रहे हो, पर ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने तुम्हारे सोचा का मंडल नहीं छीने, अब बस इतनी कृपा करो यहां से आप जाइए। संतों ने कहा बेटा हमें तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, केवल एक वचन दे दे, तेरे घर में यदि कोई पुत्र हो तो तू उसका नाम नारायण रख ले। अजामिल ने सोचा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोले ठीक है रख लूंगा। और धीरे धीरे समय अनुसार आज उस अजामिल के घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने नारायण रख दिया। और जैसे नारायण नाम रखा कि यो तो ब्राह्मण व्यभिचारी था और दुष्ट था और हत्यारा था। अजामिल के घर में जो बालक हुआ उसका नाम रख दिया नारायण। अजामिल उस बच्चे से बड़ा प्रेम करता है। हर बात पे बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण पानी लाना, बेटा नारायण मेरे लिए भोजन लाना, दिन रात नारायण नारायण बोलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अंत समय आ गया। के अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत और उन्हें देखे ध्वज ने कहा ओ नारायण पूत। जैसे यम के दूतों ने आके पकड़ा एकदम अजामिल चिल्लाया बेटा नारायण कहा हो मुझे बचाओ। और जैसे नारायण का नाम लिया मेरे भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है।
भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को भगा दिया। बोले ये भगवान का भक्त है। यम के दूतों ने कहा कैसी बात कर रहे, ये पापी है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कोई बात नहीं, भाव कुभाव अलख आलसौ, किसी तरह मेरे भगवान का नाम तो लिया जी, आज पार्षदों को भगा दिया। यम के दूतों को भगवान के पार्षद उसे वैकुंठ धाम ले गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक चोर केवल नारायण नाम लेने से भगवान के वैकुंठ धाम में चला गया। तो कहने का भाव, बच्चों के नाम माता हो ऐसे रखो जैसे बच्चे को भी बुला ले और भगवान का नाम भी आ जाए। पहले कितने बढ़िया नाम होते थे, राम प्रकाश श्याम सुंदर है? जिसमें भगवान का नाम होता था और बच्चे को भी बुला लिया जाता था। देखो हमारे आचार्य जी का नाम गणेश जी, क्या बात है, कितना सुंदर नाम है, भगवान का नाम है। हम जब भी बोलते कहा गणेश जी तो इनका भी नाम आप इन्हें पास बुला लेते, भगवान का स्मरण हो जाता है ना। तो नाम ऐसे रखो। लेकिन आजकल बड़ी गड़बड़ है, आजकल तो दुनिया रिंकी पिंकी जिंकी के चक्कर में पड़ी है, कोई बैठे हो तो माफ करिए। एक माता ने अपने बेटे का नाम रख दिया बंटी। बन माने एक, उट्टी माने चाय। एक माता ने नाम रखा एक चाय, तब तक भूफनी बोली हमका तो से कमे माने रख दो टीटू। माने एक चाय रखो तो दूसरी ने रख दो टी माने चाय, टू माने दो, माने एक चाय माने दो चाय, क्या मतलब है इनका, व्यर्थ के कोई अर्थ है इनका। नाम ऐसे रखिए जिसे बच्चे को भी भुला लिया जाए और मेरे भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान की याद आती रहे, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब आप लोग आगे बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। एक छोटा सा प्रसंग आता है, गजग्रह प्रसंग। एक हाथी है जिसका नाम है गजेंद्र, जिसकी 50 पत्नियां हैं और 150 बेटे हैं। अब विचार करिए, जिसकी 50 पत्नियां हो 150 बेटे हो और खुद में 10,000 हाथी का बल है, वो किसी से डरेगा क्या? पूरे जंगल का राजा बना है, सब डरते हैं उससे। लेकिन एक दिन वो गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ एक सरोवर पर स्नान करने के लिए गया और जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, सूंड में जल भरता है, कभी बच्चों के ऊपर उड़ेल देता है, कभी पत्नियों के ऊपर उड़ेलता है। और जैसे ही पानी की कलकल की आवाज हुई तो अंदर से जल का जीव ग्रह निकल के आ गया और एकदम गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। ये ग्रह क्या है, ग्रह जानते हो, मगर, जिसे हम मगरमच्छ बोलते हैं। और देखिए उस हाथी का ही पैर नहीं, इस मगर ने हम सबका पैर पकड़ा है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे, आप यहां से दिन में जाओ कथा सुन के, काउ से को भैया तुम कथा सुनवे नहीं गए, बोले जाते तो मगर पकड़ लिया। ये मगर ने सबको जकड़ रखा है, ये मगर ही अहंकार है, इस अहंकार ने जीव को जकड़ रखा है, मेरे भगवान से दूर कर रखा है। जब ये मगर खत्म हो जाएगा तब ये जीव मेरे भगवान से डायरेक्ट मिल जाएगा। हेलो, आज जैसी ग्रह ने पैर पकड़ा, गजेंद्र पत्नियों से बोला देख रही हूं ये जल का जीव ग्रह मेरे पैर को पकड़े है, अरे इसे नहीं मालूम एक झटका मारूंगा तो बाहर जाके गिरेगा। पत्नियां बोली सो तो महाराज सही कह रहे हैं। एक बात आप लोगों को बताऊं, ये भाई साहब ये अकेले यहां से हनुमानगढ़ जाम, यहां से दिल्ली तक चले जाए अकेले,
चुपचाप चले जाएंगे, चुपचाप वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि कहूं श्रीमती जी संग भाई, तो यहां से हनुमानगढ़ जाएंगे, 10 जगह लड़ेंगे लोगों से, यानी पत्नी को दिखाते हैं कि हमारी भी यहां चलती है। गजेंद्र बोला, देख रही हो छोटा सा जीव तुच्छ, इसे नहीं मालूम एक झटका मारा तो बाहर जाके गिरेगा, मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। पत्नी कह रही, सही कह रही हो महाराज, बाहर निकालो से। और गजेंद्र ने जैसे ही झटका मारा, वो जल का जीव, जल में अधिक ताकतवर होता है, उतना ही गजेंद्र को अंदर खींच ले गया। एकदम गजेंद्र बोला, है मेरे ताकत नहीं लगाई, अब की बार जरूर फेंक दूंगा। फिर से ताकत लगाई, फिर झटका मारा, गजेंद्र को उतना ही अंदर और ले गया। अब तो गर्दन तक पानी आ गया, अब घबरा गया गजेंद्र, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अब तो पत्नी बच्चों से बोला, अब का मरवाई डालोगे, अब तो सूर में पूछ पूछ में सूर सब लगा, हावड़ा मेल सब बन गया, खींच रहे सब। दो चार दिन तक बच्चों ने खींचा, और जब दो चार दिन बाद बच्चों ने देखा तो अब ये बचने वाले नहीं है, तो बच्चे छोड़ के जाने लगे। और जैसे ही बच्चे छोड़ के जाने लगे, एकदम गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, और होकर पत्नियों से बोला, देख रही हो, अरे मेले क्या नहीं किया के लिए, पूरे जंगल का राजा बना दिया, लोग इनका सम्मान करते हैं तो मेरी वजह से करते हैं, लेकिन आज मेरा अंत समय आ रहा है तो ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पत्नियां बोली, कोई बात नहीं महाराज, हम तो तुम्हारे साथ हैं ना। पर आज दो चार दिन तक पत्नियों ने भी खींचा, और जब पत्नियों ने देख लिया कि अब इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तो आज पत्नी भी छोड़कर जाने लगी। अब तो गजेंद्र रोने लगा। ये कथा मैं कह रहा हूं, लेकिन इस कथा का सार समझिए, यही है हम और आपकी कहानी है। लोग हमारे इतना सम्मान करते, इतना प्रेम करते, कब तक, जब तक हमारे शरीर में ताकत है, जेब में पैसा, शरीर में ताकत, तो सब हमारे, बच्चे भी खूब सेवा करते, पत्नी भी रोज पैर दबाती है। और जब जेब में पैसा नहीं, शरीर में ताकत नहीं, तो कोई बात पूछने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, बूढ़े बाबा बीमार पड़ गए, पिताजी बीमार पड़ गए, डॉक्टर के यहाँ भर्ती कर दिए। डॉक्टर ने कहा, भाई अब तो लंबा इलाज चलेगा, महीने दो महीने लग जाएंगे। नहीं तो सबसे पहले बेटी पहुंच आएगी, पिताजी बड़ा बढ़िया बहाना है बेटी का, पिताजी मेरी भैंस मोई पे मिलती है, कब दूसरे पे दूध नहीं निकाले, आप कहो तो मैं चली जाऊं, फिर कब दिन लौट के आ जाऊं। अब पिताजी का कहो, ऐसो बहानों लगाए तो भैंस का दूसरे पे दूध नहीं देती है, तो भैंस को दूध तो निकालो ही है। बाप कह देगा, बेटी जा। और रात में बेटी आई, जैसे ही बेटी घरे आई, रात में पिताजी मर गए। अब सवेरे भागी, पिताजी मर गए, मेरे बाबुल मर गए, कछु कहवे नहीं गए, तेरे घरे कहवे आ गए, मरवे के टाइम पर तू घर भागे आई, अब कह रहे कछु कहवे नहीं गए। बेटे दो चार दिन रुकते हैं, फिर धीरे से जाएंगे, पिताजी हमारी नौकरी का सवाल है, गए नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो बूढ़ा बाप रोकर कहता, बेटा ठीक है, नौकरी देखो, बुढ़ापे में केवल अकेले रह जाते, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावा होता है। इस पैसे का और शरीर की ताकत का ही खेल है, ये दोनों चीज जिस दिन हमारे पास से हटी, फिर हमारा कोई नहीं है दुनिया में। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, एक सेठ जी थे, सेठ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पत्नी बड़ा प्रेम करती थी, दिन रात सेठ जी
एक दिन सेठ जी एक बाबा जी के पास में गए। सेठ पे कोई संतान नहीं थी। बाबा जी ने कहा, सेठ तेरे पास संतान नहीं है, तू अपनी जमीन इस मंदिर के नाम में कर दे। सेठ ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो? अरे मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो कहाँ जाएगी? तो बाबा जी ने कहा, चल ठीक है, अपनी पत्नी का ही प्रैक्टिकल कर ले। तो बाबा जी ने एक योगा बता दिया, श्वास क्रिया को अवरुद्ध करना नहीं, रोकना। सेठ जी गए घर में, खम्भे में पैर फंसाए और श्वास को रोक दिया। अब तो एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, सेठा भी नहीं मिले। पूछा कहां गए से, और चौथे दिन जैसे ही सेठानी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो हे भगवान सेठ जी कहां गए, दो तीन दिन से पता ही नहीं। चारों तरफ भागी तो देखा अंदर घर में गई तो सेठ जी खम्भे में पैर फंसाए मरे पड़े। अब तो रोने लगी, हे भगवान मेरे सेठ जी मर गए, कुछ कह के नहीं गए। पूरे मोहल्ला की इकट्ठी हो गई, सब पड़ोसी आ गए। बोले क्या हुआ? बोले सेठ जी मर गए। अब तो रो रही है, सर पटक रही है, सेठ जी एक बार हमें दोबारा कछु शब्द सुनाए दे। और देखना अभी माताओं को ये आंसू गिफ्ट में दिए गए, ये हकीकत बात। और मैंने तो देखा है, यदि कोई मर जाए और वाकई तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो तेर भी बोलते हैं, तेर भी होती है, आपके यहाँ सच पत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके 10-11 दिन 12-13 दिन बाद कुछ होता है शुद्धिकरण, उसमें ये माता जाती पूड़ियाँ होती हैं।